गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ, मतलब बालाजी मेहंदीपुर से आई हूँ और बहुत थकी थी, तो मैंने अपनी थकावट उतारी है। एक दिन की छुट्टी ली थी तो आराम से थकावट उतर गई है। तो आज मैं नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्रेश हूँ, क्योंकि सो जाओ ना तो अपने आप ही, मतलब सोने के बाद तो अपने आप ही फ्रेश हो जाए। आज मैंने साड़ी पहन ली है और स्कूल जाने के लिए एकदम हो गई हूँ तैयार। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, पूजा, नहा धो के तैयार होकर पूजा कर लेती हूँ और फिर मैं चलती हूँ अपने स्कूल की तरफ। और आज मेरे स्कूल में बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, मतलब न्यू सेशन का फर्स्ट डे है आज। तो भगवान से थोड़ी प्रार्थना करती हूँ कि हे मैया रानी, हे बालाजी महाराज, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं पूरे साल अपने उन बच्चों को अपना बेस्ट दे सकूँ, अपने जो मेरा कर्तव्य है स्कूल के प्रति, उसको मतलब उसको अपनी श्रद्धा और निष्ठा से, ईमानदारी से निभा सकूं। चलिए पहले पूजा करती हूँ। जय श्री बालाजी महाराज अनोखी भारी झांकी, जय श्री बालाजी पूजा हो गई मेरी, अब है जल चढ़ाने की बारी। फिर रख ली हूँ मैं, तो चलिए स्कूल भागती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगी, नहीं तो बाकी जो बातें हैं वो आने के बाद जारी रहेगी, व्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पर आ चुकी हूँ मैं स्कूल में और आते के साथ ही एक्टिविटी रूम में आ गई हूँ और अभी यहाँ पर बच्चे नहीं आए हैं, मैं अकेली ही हूँ। मैं आ गई हूँ स्कूल से और बस हमेशा की तरह थोड़ा जाते हुए थोड़ा फ्रेश, आते हुए थोड़ा सा थकावट भरा आना हो जाता है, जाहिर सी बात है। और आज फर्स्ट डे था, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी न्यू क्लास लेने के लिए। तो मैं आ गई हूँ बच्चों की क्लास वगैरह लेके, और आज है वर्ल्ड हेल्थ डे, तो भाई इसके बारे में बच्चों को भी बता दिया है। भाई बच्चों को मतलब थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए ना कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है, योग करके जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, तो थोड़ा बहुत बच्चों को भी सिखा दिया। जो ज्ञान मुझे आता था वो मुझे बच्चों को भी सिखा दिया। आज पहला दिन था और बच्चे बहुत लंबी छुट्टी के बाद आए थे, तो बच्चे भी उनकी मम्मियां भी बहुत एक्साइटेड थी कि आज स्कूल खुलेगा। और आज फर्स्ट डे था, हमने डांस भी किया, हमने मस्ती भी की है। हालत खराब हो गई भाई, पहले पानी पीऊंगी बाद में बात करूंगी, फिर प्यास लगी जोरों की। झूमता चला मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, थोड़ी सी काजू कतली अभी मेरी है थोड़ी सी, तो मैंने कहा खा लेती हूँ। बच्चों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने एक पैकेट, मतलब पैकेट वाली चीजें ना खाओ बेटा, बाहर की चीजें मत खाओ, इसके बारे में भी बता दिया था। और जाहिर सी बात है हर बच्चों की आदत होती है भाई, मम्मी की बात नहीं मानेंगे और वो टीचर की बात फटाक से मान लेते हैं बच्चे, इसलिए जितना हो सके उनको अच्छी चीजें सिखाएं ताकि वो हमारी बात मान रहे हैं, तो हम उनको अच्छा ही सिखाएं, कोशिश यही रहती है। इस बात से आप लोग सहमत हो कि नहीं, क्योंकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अगर आपके बच्चे भी छोटे होंगे ना, आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन अगर मैम कह रहे ना तो वो बात पत्थर की लकीर हो जाती है, ये सबके साथ होता है। बात करते करते अभी बेल बज गई और मेरा एक ऑर्डर आ चुका है भाई। अरे इसमें क्या मंगाई हूँ, सच में आप लोग सोचोगे कि ये क्या मंगाती है। मैं मतलब देखती हूँ जो मुझे
ठीक रेट में लगता है, रिजनेबल रेट लगता है तभी मैं ऑर्डर करती हूँ। तो मुझे ये चीज़ शायद रिजनेबल लग गई थी और अच्छी लग गई थी तो मैंने ऑर्डर कर दिया लगे हाथ। पर कई बार मैं इतने सारे ऑर्डर कर देती हूँ छोटे छोटे करके ना, मुझे याद भी नहीं रहता। मैंने देख के मैंने कुछ सामान मंगाया है और बहुत जल्द आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ क्योंकि थोड़े ही दिनों में कहीं इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली है, बस ये कह सकते हैं। तो बस ब्लॉग ना, मतलब आप जो चैनल पर नए हैं ना वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत छार होने वाली है ब्लॉग्स की। तो मैं कुछ सामान मंगाई हूँ, अभी मैं बस सिर्फ ये दिखा देती हूँ, मैं पहन के देखती हूँ। मेरे लिए मतलब मैंने टॉप मंगाए थे दो, जो पहन के देखूँगी कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी, और नहीं अच्छा लगा तो रिटर्न होगा, क्योंकि मैं खोलती ऐसे हूँ ना, इसका एड्रेस नहीं खोलती हूँ, क्योंकि एड्रेस खोल दो ना फिर रिटर्न करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो साइड से कट करके निकाल लेती हूँ, तो इसको मैं ट्राई करूँगी थोड़ी देर में, देखती हूँ कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है। अभी देखने में तो अच्छा लग रहा है। एक तो ऑनलाइन चीज़ों का ना ये नहीं समझ में आता, जैसे ये वाली साड़ी ना, ये वाली साड़ी मैंने ऑनलाइन देखी थी और मैंने फटाक से ऑर्डर कर दिया था ये वाली साड़ी। इसका पल्लू मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था, और ये वाकई में सबको बहुत पसंद आ रही है ये साड़ी। जब भी मैं पहनती हूँ तो मुझे तारीफ मिलती है। मैं तब तक ग्रेप्स खा लेती हूँ, थोड़ा सा चावल बनाती हूँ या तो रोटी, सब्जी रखी है। तो यहाँ पर सब्जी रखी है, दही रखी है, तो भाई मैं रोटी ही सेक लेती हूँ आज जल्दी से। तो बस सारा कुछ था, बस दो रोटी सेकी हूँ और मैं खा लेती हूँ। थी मतलब उठ गई थी और मैंने जोत बत्ती भी कर लिया है, और इतनी गहरी नींद आई, इतनी गहरी नींद आई बच्चों के साथ ना, आज बहुत दिन बाद हम लोगों को भी इतना मतलब बर्डन पड़ा है, क्योंकि पेपर हो रहा था तो इतना ज़्यादा नहीं था, क्लास संभालनी पड़ी बहुत दिन बाद, और बच्चों का भाई बच्चों को संभाल कर बच्चों के साथ बोल बोल के ऐसी थकी रही है। आज मैं ऐसी सोई जैसे मुझे ना बेहोशी की दवा दे दी हो कोई। मैंने घड़ी में देखा 6 बज गए हैं, तब तक मेरी आँख नहीं खुल रही है। फिर मैंने ज़बरदस्ती की अपने मुँह पर ना छींटे मारे पानी के, फिर रोटी को, फिर मैंने फटाफट घर का काम किया, जो किचन का काम था वो सब कुछ किया है। अभी दाल चढ़ाई हूँ और जोत भी चला दी हूँ, पूजा भी कर ली हूँ। मंदिर में जोत जल रही है और भगवान जी ने न्यू ड्रेस पहन ली है जो भाई मैं बालाजी से लाई थी। कहीं भी जाती हूँ ना तो मतलब लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लाती हूँ, तो मैं लड्डू गोपाल जी के लाई थी। और मेरे पापा का फोन आ गया है, मैं एक बार बात कर लूँ। हेलो, हाँ पापा नमस्ते। तो यहाँ पर पापा से बात करने के बाद मैंने हरी मिर्च, हरी धनिया, लहसुन, प्याज सब कट कर लिया है, क्योंकि आज बना रही हूँ दाल बाटी, तो खाने का बहुत मन था बहुत ज़्यादा, तो आज बना ही रही हूँ। यहाँ पर हो गई है दाल फ्राई, आज बन रहे हैं किचन में दाल बाटी, लिट्टी चोखा, मतलब दाल फ्राई हो रही है अच्छे से। आप देखिए उसमें डाल रही हूँ खूब सारा हरा धनिया ऊपर से, क्योंकि धनिया के बिना तो सच बताऊँगी खाने के लिए मज़ा नहीं आता। धनिया लगती है ना, मिल जाती है, ऐसे लगता पूरा हो गया खाना। भाई शाम को ये कई दिनों से मन कर रहा था और बहुत दिन हो गया था। हमारा खाना जो है तैयार है, तो खाना हो गया है तैयार, लिट्टी चोखा और दाल खाती हूँ। चलिए हम खाना खाते हैं। मैं दिखाती हूँ उस दिन के ना इतनी सारी काजू कतली के ढक्के पड़े हैं, और ये सारे आपको लग रहा होगा कि आज फिर से आ गए, नहीं उसी दिन की गाड़ी वाली, और ये सब खा लिए, एक भी नहीं है, क्योंकि ये ना मिठाई बांट के और बैग ऐसे उठा लाए थे अपना, तो ऑफिस में इन्होंने बांटा था, तो बस सारे डब्बे डब्बे उठा लाए थे। अब मैं इस डब्बों को ना रखूँगी उठा के, क्योंकि मैं क्या करती हूँ डब्बे मिठाई के ना बहुत काम आ जाते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कोई आया जाए ना उसको खाना पैक करके देना है ट्रेन के लिए, तो इसमें बहुत अच्छे से पैकिंग हो जाती है। एक तरफ पूरी आप रख सकते हैं, एक तरफ सब्जी रख सकते हैं, खाना पैक करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन तीनों को तो मैं संभाल लूँगी अभी, इनको अच्छे से पॉलिथीन में डाल के मतलब अच्छे से संभाल लूँगी, और ये बहुत काम आते हैं। भाई आप लोगों के घर भी ऐसे मिठाई के डब्बे हों तो संभाल लिया करो, कभी कभी काम आ जाता है कुछ पैकिंग के लिए। और कई बार ऐसे भी होता है कि इसमें खुद मिठाई बनाओ और इसमें सजा के किसी को भेजना है तो भेज सकते हैं। मेरे पास ऐसे लड्डू के थे ना पैकेट, तो मैंने लड्डू का पैकेट रख दिया था, फिर मैंने बेसन का लड्डू बनाया ना उसी में डाल के फिर पैक करके फिर मैंने किसी को दिया था, मतलब भेजा था दिल्ली। तो इस तरह से ये सब चीज़ें काम आ जाती है, हर चीज़ मैं संभाल लेती हूँ, कोई चीज़ फेंकती नहीं है।
संभाल लेती हूँ मैं। चलिए चलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।